तो दोस्तों चलिए हम लोग एक टैंक कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जी हाँ, एक टैंक कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ये जो आप शीट देख रहे हैं वो MS की शीट है, और ये अभी जो कई लोग इसको कट सेक्शन में मंगाते हैं, कई लोग इसे रोल फॉर्म्स में मंगाते हैं, जिसकी जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो लोग मैन्युफैक्चरर या जो सप्लायर है उससे ये रोल्स मंगवा सकते हैं। फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं ये MS की 1.2 mm की शीट है। इससे हम लोग देखेंगे कि एक 200 लीटर का हॉट डिप गैल्वेनाइज का एक टैंक बनाएंगे और ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। अभी जो ये शीट आप देख रहे हैं ये 1250 mm यानी कि विड्थ में 1250 mm है और लेंथ में 1745 mm यानी कि 1745 mm इसकी लेंथ है। लेकिन हमें जो कि इसका 200 लीटर का टैंक बनाना है तो हमको जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो 1740x1200 mm की ज़रूरत है, यानी कि हमें ऐसे 1200 mm होना चाहिए और ये 1740 mm होना चाहिए। तो अब हम इसको लेके जाएंगे पहले शेयरिंग मशीन के ऊपर, तो आइए देखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने हमको जो चाहिए 1200 mm उतना चाहिए, तो ये जो 50 mm है ये यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे और ये चलेगा इधर से कट। और तो लेंथ में जैसा हमने बात किया था कि हमको यहाँ पे 1740 mm की चाहिए और ये 1745 का है, तो ये जो 5 mm का जो एक्स्ट्रा शीट है इसको हम यहाँ से कट करना पड़ेगा, जो हम ये प्रिसीजन मशीन पे करेंगे, शेयरिंग मशीन पे। तो यहाँ पे ऐसे आपने डाला और ये सीधा हटा कर ब्लेड से कट, ठीक है। इस हिसाब से अब आपका हो गया जो शीट है, अब जो शीट है अपने प्रॉपर डायमेंशन में आ चुकी है जितना हमको चाहिए था। अब हम देखते हैं कि भाई ये 200 लीटर के टंकी के लिए इतनी की शीट की हमको ज़रूरत है। अब इसके बाद नया नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब यहाँ से जो शीट है यहाँ से जाएगी वो पंचिंग मशीन के ऊपर। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक मूविंग टेबल सिंगल एक्सेस मूविंग मशीन है, जो इवैक्यूएटेड ट्यूब सिस्टम्स होता है उसके जो ट्यूब्स के लिए जो होल्स बनाए जाते हैं वो ही बनाया जाता है। तो इसके बाद आ जाती है, अब शीट आ गई है, शीट में आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होल्स आ गए हैं, अब इसको बेंड किया जाएगा, रोल फॉर्म में लिया जाएगा। तो इसके बाद आ जाती है रोलिंग मशीन। पंचिंग के बाद अब इसको टैंक के शेप में, गोल शेप में लाया जा रहा है। तो एक एक स्टेज में इसको रोल किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे हमने पहले शीट लिया, शीट के बाद उसको साइज़ में लिया, साइज़ के बाद हमने पंचिंग की, पंचिंग करने के बाद हमने रोलिंग किया। अब रोलिंग करने के बाद अब ये आपको परफेक्ट एक टैंक बनने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपका होल्स वाला पोर्शन है, अब ये टैंक बनने के रेडी है। यहाँ पे अब इसको एक वेल्डिंग की ज़रूरत है और डिशेंट्स लगाने हैं और उसके पार्ट्स लगाने हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो देखते हैं। दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा कि इनर टैंक जैसा MS शीट में बना, उसी तरह अब आउटर टैंक यानी कि आउटर शेल भी बनाना है, जो कि एक GI प्रीकोटेड शीट में बनेगा। ये जो है GI प्रीकोटेड शीट को भी सेम उसी प्रोसेस से लिया गया है, लेकिन ये जो GI प्रीकोटेड शीट है ये 0.5 mm थिकनेस से बनी है और ये प्रीकोटेड होने के कारण अब इसका भी एक आउटर शेल बनाया जाएगा। वो जो अंदर वाला टैंक था वो MS का था, जिसको हॉट डिप गैल्वेनाइज किया जाएगा और वो फुल परफेक्ट हो जाएगा टैंक। उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा जाएगा और उसके ऊपर जो है ये 0.5 mm की GI की प्री कोटेड शीट लगाई जाएगी। अब ये जो है इसका जो प्रोसेस है इसको सीम लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे एक लॉक है, वैसे ही उधर एक लॉक है, ये लॉक सीधा ऐसा ऐसा जाएगा और इस पोजीशन पे इसको दबा दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने उस मशीन में देखा कि वो
वहाँ पे लॉकिंग कराया गया, दो सीट था। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इस पोजीशन पे लॉक हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे लॉक हो गया। यहाँ पे सिस्टम के लिए नट बोल्ट्स आएंगे तो वो इसमें ऑलरेडी प्रोविजन कर रखा है। अब चूँकि आउटर शेल बड़ा होता है और जो अपना जो GI की सीट है वो एक स्पेसिफिक लेंथ में आती है, तो इतना पैच जो आप देख रहे हैं ये इतना पैच सेम कलर अपना सेम कलर की शीट में अलग से लगाया गया है। ये चीज़ बॉटम पोर्शन में रखी गई है कि आपका ऊपर से जो टैंक है वो कुछ गंदा ना दिखे या अच्छा ही दिखे। तो ये बेसिकली अंदर से ऐसे है, तो आप बेसिकली अंदर से ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एक एक्सटर्नल शीट है, ये एक शीट है और दोनों को लॉक किया गया है। ओके, ये आउटर क्लैडिंग के काम में आएगा। इसके और इंटरनल टैंक के बीच में इंसुलेशन होगा। अब जो ये मशीन जैसे वो गोल बन के टैंक राउंड होके आ गया, अब यहाँ पे इस जहाँ पे आपको वेल्डिंग होगी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टैंक को ऑटोमेटिक वेल्डिंग के साथ वेल्ड किया गया है, उसी तरह एंड डिश या एंड कैप को भी ऑटोमेटिक वेल्डिंग के साथ वेल्ड किया जाता है। इनलेट, आउटलेट, इलेक्ट्रिकल बैकअप का कनेक्शन, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। जो ये वाली मशीन में जो हमने टैंक देखा, जो अभी वेल्डिंग करके देखा, उसके बाद जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, एकदम साफ सुथरा, यूनिक, लीनियर टिक वेल्डिंग इसे बोलते हैं। इसमें कहीं पे भी मेटल खाया नहीं है, एकदम साफ सुथरा वेल्डिंग, यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म वेल्डिंग है। अब इसके बाद ये टैंक जाता है अपना क्लैडिंग और पफ के सेक्शन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सब आउटर क्लैडिंग की शीट्स हैं। ये जब अपना अंदर का टैंक बन गया और फिर उसके बाद बाहर का टैंक बनेगा, बाहर की क्लैडिंग बनेगी, उसके बाद ये जो टैंक है, जो मेन टैंक होता है वो इसके अंदर पोजीशन किया जाता है और उसके बाद जो खाली जगह है वहाँ पे पफ इंसुलेशन भर दिया जाता है। तो जैसा कि इस अब कट सेक्शन में देख सकते हैं, ये कट सेक्शन उसी के लिए बनाया गया है। इसमें ये जो अंदर वाला जो टैंक है वो ये है, उसके बाद 50 mm तक का आपका इंसुलेशन रहता है, उसके बाद GI की एल्यूमिनियम की ऊपर की क्लैडिंग रहती है। तो दोस्तों, टैंक बनने के बाद जब ये हॉट डिप ग्लेनाइज होके आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें जितने भी एक्सपोज्ड पोर्शन है जहाँ पे वेल्डिंग हुआ था वो सब अब ढक चुके हैं, अब दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से भी कभी कोई वेल्डिंग के उधर से कोई रस्ट वस्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अब इस स्टेज के बाद क्या होता है आपका इंसुलेशन। जी हाँ, इसके बाद इंसुलेशन, आउटर क्लैडिंग, पैकिंग एंड क्वालिटी चेक, और उसके बाद ये सिस्टम मार्केट में बिकने के लिए चले जाता है। अब टैंक्स बनने के बाद आ जाती है पैकिंग की बारी। पैकिंग की बारी, जी हाँ दोस्तों, अब जैसे लेंथ होता है, अब चूँकि ये जो बेसिकली है क्या कि ये जो टैंक्स हैं GI और हॉट डिप गैल्वेनाइज होने के कारण इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक नॉर्मल अगर बॉक्स पैक में बात करें, एक जो हम लोग जनरली देखते हैं स्क्वायर बॉक्स में हर एक के टैंक आते हैं, तो वो इन टैंक्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा है। वज़न बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो जो स्क्वायर बॉक्सेस है वो कहीं टिकते नहीं है, मतलब कि उससे उसको हम बॉक्सेस को अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टैंक्स उसको फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो जनरली उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस टाइप की इसमें पैकिंग की गई है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेशन पफ का है तो इसमें कहीं पर भी पंचिंग या डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला पैकिंग दी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा साइज़ होता है उस हिसाब से आपको उतने प्रोटेक्शन दे दिए जाते हैं, और उसके बाद पैकिंग वैकिंग होने के बाद ये आपके घरों पे या आपके शहर या आपके दुकान में ये पहुंच जाता है। हर एक टैंक के साथ उसका सीरियल नंबर और उसका कैपेसिटी उसके कॉर्नर में मेंशन रहता है कि आपको बार बार खोलने के वैसे फ़िलहाल आप उसके लेंथ से ही पता कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आप उसके बाजू में उसका पैकिंग लिस्ट के ऊपर उसका नाम, नंबर और कैपेसिटी लिखी रहती है। तो अक्सर आपके दिल में होगा कि भाई चलो ठीक है, ये सिस्टम मेरे को समझ आता है,
और मैं अपने घर के लिए लेता हूँ। तो हर एक के दिल में हुआ कि चलो ठीक है, एक सिस्टम लगा देते हैं। एक सिस्टम हम लोग कहाँ से मंगाएंगे? तो इसका होता है ऐसा कि एक सिस्टम भेजना और लगाना ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए फिजिबल नहीं है। तो जो आपका जो नियरेस्ट डीलर है, हैं आप पहली बार तो उनसे कांटेक्ट कीजिए जिन जो सोलो वाटर हीटर्स में डील करते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर सपोज़ आपको लगाना है तो सबसे पहले वो सोलो वाटर हीटर का जो डीलर है वो आपके घर में आके सर्वे करेगा। इन द सेंस कि पहली बार तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखेगा कि आपको पानी किसके लिए, किस किस काम के लिए चाहिए। फिर उसके बाद वो देखेगा कि भाई ये सिस्टम लगाया किधर जा सकता है, छत के किस लोकेशन में लगाया जा सकता है, और उसके बाद आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद हार्डनेस कैसा है, प्रेशराइज्ड है, नॉन प्रेशराइज्ड है, आपके घर के ऊपर टंकी यानी कि जो ठंडे पानी की टैंक है वो किधर है, आपको फ्लैट फिक्स टेम्परेचर वाला यानी कि FTC वाला सिस्टम चाहिए या नॉर्मल थर्मोसाइफन वाला सिस्टम चाहिए विद बैकअप विदाउट बैकअप। ये सारे के सारे पैरामीटर्स लेने के बाद आपको वो एक सिस्टम रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई आपको ये सिस्टम लग सक, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको ये सिस्टम चाहिए। अब कुछ होते हैं कि वही कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स भी होते हैं कि उसमें ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, जैसे कि भाई मेरे को सिर्फ पानी गर्म करने के लिए चाहिए और 5 लोग को चाहिए, तो एक सिस्टम नॉर्मल जो आता है वो 100-125 लीटर या 150 लीटर का सिस्टम आता है, हमको वो चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सर कि इसको आप हम कुरियर से भेज सके, कुरियर में भेजे या कोई भी अगर इंश्योरेंस के साथ भी सोचे तो वो हर इंश्योरेंस वाला ये सबसे पहले यही बोलता है कि भाई ये जो ग्लास पार्ट्स है दीज आर नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस। भले आप कार का ले लो या किसी और कंपनी का, किसी और सेक्टर का भी ले लो, आप जो है उसमें ये जो ग्लास पार्ट्स होते हैं उसमें इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। तो इसमें आप जो सिस्टम में देख सकते हैं कि भाई एक टैंक है और एक ग्लास है और ये भी MS का है, तो इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है वो ग्लास है। तो इस चीज़ को कुरियर से भेजना इज़ नॉट पॉसिबल। सो होता क्या है कि आपको ये चीज़ अपने नियरेस्ट डीलर से लेना पड़ता है। अब ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि कई लोग जो कि खुद ही डीलर्स हैं तो वो लोग कितना कैपेसिटी, उनको भी एक तो उनकी भी एक जिज्ञासा होगी कि भाई एक ट्रक में कितना सिस्टम आ सकता है या एक ट्रक में 100 के कितने सिस्टम आएंगे, 200 के सिस्टम कितने आएंगे, 300 के कितने सिस्टम आएंगे या 500 के सिस्टम कितने आएंगे, ये मिक्स एंड मैच करके कितने सिस्टम आएंगे। तो ये सारी जानकारी भी हम लोग देते हैं कि एक 19 फीट के ट्रक में अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे तो इतने सिस्टम्स बैठेंगे, या एक 19 फीट के ट्रक में अगर 100 के सिस्टम लेंगे तो आपको इतनी सिस्टम बैठेंगे। और उसके बाद जो ये प्रोडक्शन है वो या तो पूना, ये जो जिस प्रोडक्शन यूनिट में मैं खड़ा हूँ वो तो पूना में है, तो यहाँ पे आप यहाँ से वहाँ जहाँ आपको चाहिए, पूना से आपको दिल्ली में चाहिए, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टर से बात करके आप उतना सिस्टम मंगा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी आपको सपोज़ इंडिया के किसी भी लोकेशन में है तो वहाँ पे 19 फीट का ट्रक या 20 फीट का ट्रक जो भी जाता होगा उतना आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करना है और उतना सिस्टम्स आप मंगा के आप वहाँ से आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप इस प्रोडक्ट का ले सकते हैं। दोस्तों आपने मेटल्स तो देख लिए कि किस मेटल्स में आपके टैंक्स बन सकते हैं, SS हो गया, MS हो गया, GI हो गया, कॉपर हो गया या नॉन मेटालिक टैंक्स भी हैं। लेकिन जो मेटालिक टैंक्स हैं उसको आपको, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये MS की शीट है, आपको कॉर्नर्स या कुछ ना कुछ पोर्शन पे आपको वेल्ड करना ही पड़ेगा। अब वेल्डिंग जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, इससे अच्छी भी हो सकती है लेकिन वेल्डिंग करने के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा। अब वो भले ही SS में हो, उस पोजीशन में भी ऐसी वेल्डिंग होगी, SS की वेल्डिंग होगी, या GI में हो तब भी वेल्डिंग होगी। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि यहाँ से रस्ट फॉर्मेशन चालू हो जाता है और यहीं से आपका वीकनेस चालू होती है और वहाँ से आपका टैंक लीकेज चालू होता है। तो यही सबको अवॉइड करने के लिए जो एक्शन सोलर वालों ने क्या किया कि टैंक जो है वो पहले बना लिया, जैसे कि हमें अकोले साहब ने पिछले वीडियोस में बताया कि पहले टैंक बना लिया जाता है MS के शीट के साथ, उसमें सब वेल्डिंग प्रोविजन सब कर दिया जाता है और उसके बाद उसे हॉट डिप गैल्वेनाइज किया जाता है। तो वो टंकी, एक कट सेक्शन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ
ये कट सेक्शन आपको समझाने के लिए ही है। इसमें बेसिकली है क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टंकी का इनर शेल है, इसके ऊपर इंसुलेशन रहेगा और उसके ऊपर एक आउटर क्लैडिंग रहेगी जो कि जीआई प्रीकोटेड शीट रहेगी। अब है क्या कि जब टंकी बनाने के लिए सबसे पहले रोल फॉर्म किया जाएगा, पहले ये राउंड किया जाएगा, उसके बाद ये वेल्डिंग की जाएगी और उसके बाद ये फिटिंग्स लगाया जाएगा जिससे कि इनलेट, सैक्रिफिशियल एनोड और ये सब का प्रोविजन किया जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप वेल्डिंग कर लेते हो तो यहाँ पे रस्टिंग का चांसेस चालू, मतलब यहाँ पे रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पे भी रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे वेल्डिंग है, यहाँ पे भी रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वेल्डिंग है। हॉट डिप गैल्वेनाइज में क्या है कि आपने टंकी ये पूरी बना दी, वेल्डिंग जितना भी करना था आपने पूरा कर दिया, उसके बाद क्या है कि ये जो टंकी है ये हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के लिए उसके अंदर टब में डाली जाती है। ये टब में डालने से फ़ायदा ये हुआ, आपको ये दिख रहा होगा कि वेल्डिंग के ऊपर भी आपका गैल्वेनाइजिंग हो गया है, यहाँ पे भी पूरा गैल्वेनाइजिंग है, यहाँ पे भी पूरा गैल्वेनाइजिंग है और इनर आउटर जहाँ से भी वेल्डिंग्स हैं, जहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस हो सकते थे टैंक के, वहाँ सब जगह पे आपका प्रॉपरली गैल्वेनाइजिंग हो गया। तो ये जो हॉट डिप गैल्वेनाइज टैंक है, ये इस टैंक में वेल्डिंग का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो गैल्वेनाइजिंग की गई है वो वेल्डिंग होने के बाद की गई है। तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर जो सिस्टम्स है, एज़ कम्पेयर टू अदर जो टैंक्स है, उससे ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत है। अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हॉट डिप गैल्वेनाइज तो ठीक है, पर ये गैल्वेनाइजिंग की फैसिलिटी कितने लीटर तक के टैंक के लिए अवेलेबल है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि इस प्रोसेस में आप 10 लीटर के टैंक से लेकर 3000 लीटर तक के टैंक को गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। बेसिकली वो हॉट टब जिसमें गैल्वेनाइजिंग के लिए टैंक्स को डुबाया जाता है, उसकी कैपेसिटी 3000 लीटर तक के टैंक के लिए सूटेबल है। अब आप में से जो लोग पीवी में काम कर रहे होंगे उन्हें भी ये प्रोसेस मालूम होगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर्स फोटोवोल्टिक सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के ही होते हैं। वहाँ पे तो एमएनआरई ने हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के स्ट्रक्चर्स को रेकमेंड भी कर रखा है जिसमें 150 माइक्रोन्स की गैल्वेनाइजिंग की बात की गई है। वो वाले स्ट्रक्चर्स भी सेम प्रोसेस से ही बनते हैं, पहले वेल्डिंग फिर गैल्वेनाइजिंग, जिससे कि आपका जो एक्सपोज्ड वेल्डेड सेक्शन है वहाँ पे रेस्टिंग अवॉइड की जा सके। आपको एक और बेहतरीन एप्लीकेशन या एग्जांपल बता देता हूँ। आपने रेलवेज़ के खंभे तो देखे ही होंगे या हाईमास वाले खंभे भी देखे होंगे, वो खंभे भी इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं और रेलवेज़ तो इस प्रोसेस से बने स्ट्रक्चर्स पिछले 20 से 25 साल से इस्तेमाल कर रही है। आपको ये सुनने या देखने में कम ही मिला होगा कि रस्ट के कारण रेलवेज़ का स्ट्रक्चर गिर गया हो। यहाँ पे भी पहले वेल्डिंग फिर गैल्वेनाइजिंग, जिससे कि वेल्डिंग पोर्शन से रस्ट की समस्या ख़त्म की जा सके। इट्स ए प्रूवन टेस्टेड एंड ट्राइड टेक्नोलॉजी जिसे एक्सन सोलर ने भी अडॉप्ट किया, सेम प्रोसेस को फॉलो किया और सोलर वाटर हीटर्स के टैंक्स बनाए, सर्टिफाई कराए और पिछले 4 से 5 सालों से इसे मार्केट में सप्लाई भी कर रहे हैं। अब उन टैंक्स में रस्टिंग की समस्या और लीकेज की समस्या ऑलमोस्ट 99% तक कम हो गई है। 99% इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1% की गुंजाइश की इम्प्रूवमेंट तो हर जगह होती है। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज बोल दीजिए या डिसएडवांटेज बोल दीजिए कि इस प्रोसेस में आप पतले मेटल्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जनरली होता क्या है कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में मेटल की थिकनेस कम कर दी जाती है, पर इस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस के लिए पतले मेटल्स का इस्तेमाल करोगे तो जब वो टैंक हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के लिए जाएगा तो उस टैंक में श्रिंक्स आ जाते हैं, और हाँ, अगर टैंक में एक बार श्रिंक आ गया तो उसे आपको बाद में स्क्रैप ही करना पड़ता है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा है कि डायरेक्टली गैल्वेनाइज रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर प्रोसेस भी कुछ कम हो जाएगा, पतले मेटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टीमेटली कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। ये तो सही बात है कि प्रोसेस और कॉस्ट में कमी आ जाएगी, पर जीआई प्रीकोटेड शीट्स में भी आपको वेल्डिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब जहाँ पे वेल्डिंग होगी वहाँ पे तो ये तय बात है कि वहाँ पे गैल्वेनाइजिंग ख़त्म हो जाएगी, और फिर उस पोर्शन पे रस्ट या लीक डेवलप ना हो उसके लिए आप अलग अलग पेंट्स या अलग अलग कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। पर आप पेंट का इस्तेमाल कर लें, कोटिंग का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस केस में भी हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग टैंक का मुकाबला करना कुछ मुश्किल होगा। हाँ, ग्लास लाइनिंग भी एक टेक्नोलॉजी और प्रोसेस है, पर ग्लास लाइनिंग तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और महंगा प्रोसेस है। उस वाले प्रोसेस में भी आप मेटल की थिकनेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब ये सिस्टम कितने साइज़ में मिलते हैं, एक ट्रक में कितने सिस्टम्स आ सकते हैं, कितनी कॉस्टिंग होगी
और अगर आप इसे अपने ब्रांड में बेचना चाहते हैं तो क्या टर्म्स कंडीशन होगा या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, तो इन सब के लिए आप डायरेक्टली एक्शन सोलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप लोगों की सहूलियत के लिए वो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हाँ, अगर आपने भी कुछ ऐसा नायाब काम किया हुआ है, कुछ हटके काम किया हुआ है, कुछ डिफरेंट डेवलप किया हुआ है जिससे कि इंडस्ट्री का कुछ भला हो सकता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने इस चैनल के ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब एक आखिरी रिक्वेस्ट, पहले तो ये वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए और आपको इस इंडस्ट्री में होने वाले नए नए डेवलपमेंट्स, नए नए पॉलिसीज़ के बारे में लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी भी मिलती रहे। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके कमेंट्स, रिकमेंडेशंस और सजेशंस हमें नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा देते रहते हैं, तो कमेंट, रिकमेंडेशन करना ना भूलिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सेम चैनल, सोलर इज माई पैशन। टिल देन एंजॉय द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।